नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यजित और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यजित वत्सतम लोगों पे। सो गाइस, तो भैया न्यू सीरीज़ के आज के इस एपिसोड में मैं आपको रसल खेमा से भोपाल की जर्नी वाया मुंबई कराने जा रहा हूँ। तो मुंबई में मैं 4 घंटे का ले हुआ था। तो भैया आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली रसल खेमा एयरपोर्ट पे थोड़ा सा टाइम बिताते हुए हम फ्लाइट पे सवार हो चुके। तो मेरी यहाँ से मुंबई और मुंबई से भोपाल की फ़्लाइट दोनों इंडिगो की ही थी। और आप ये बाहर विंग देख सकते हो और ये देखो भाई क्या लाइन दिखी है, IN16 गोइंग ऑन 17। तो भाई चलो चलते हैं मुंबई। तो यार मुंबई जाते हुए तो यार काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन यार दुख भी होता है क्योंकि यार हम विदेश से अपने देश में जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये मैगजीन वगैरह है। तो चलो वही चलते हैं मुंबई। सो गाइस, ये है रसल खेमा एयरपोर्ट का बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे अभी हमने टाइम बिताया था और हमारा यहाँ पे इमिग्रेशन हुआ था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि इमिग्रेशन में हमें लाइन कम मिली थी, वरना भाई अगर ज़्यादा लाइन होती तो ज़्यादा टाइम लगता। और यहाँ पे भाई एक छोटा सा ड्यूटी फ्री जोन बना रखा है। और यहाँ पे एयरपोर्ट इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी भाई अच्छा एयरपोर्ट है, अच्छा खासा टाइम बीत गया था हमारा। और यहाँ से फ़्लाइटें भी इतनी नहीं जा रही थी, यहाँ पे जब मैं आया था तो केवल 3 ही फ्लाइटें जा रही थी। एक तो जा रही थी यहाँ से मुंबई की इंडिगो की, जिसमें अभी हम जा ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से पेशावर की जा रही थी, पेशावर पाकिस्तान में। और यहाँ से कायरो की जा रही थी, कायरो इजिप्ट की कैपिटल है। तो चलो भाई हम चलते हैं मुंबई। सो गाइस, बहुत दुख के साथ अब ये यूएई की ट्रिप एंड हो रही है। तो भाई अब ती फ्लाइट के अंदर की लाइटें डिम हो चुकी है क्योंकि अब ती फ्लाइट अब टेक ऑफ कर रही है। तो यार काफ़ी दुख के साथ यार यूएई को छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन यार दुबई तो यार मैं फिर से आऊँगा और रिमेनिंग प्लेसेस भी कवर करूँगा। तो यार अब फिलहाल अभी हम यूएई से विदा लेते हैं और अब अगले साल आपको किसी और कंट्री में घुमाएंगे। और भाई हो सका तो यार मुंबई से ही कराऊँगा आपको जर्नी। तो गाइस अपनी फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ कर रही है। तो चलिए गाइस चलते हैं मुंबई। तो जब हम मुंबई पहुंचेंगे तो इंडिया में अर्ली मॉर्निंग हो रहा होगा। सो गाइस फाइनली आप ये नाइट व्यू देख सकते हो यूएई का, काफ़ी साफ सुथरी सड़कें लग रही है, अच्छी खासी लाइटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे अभी शहर दिखेगा, आई गेस वो शहरी है, मेरे को शहरी लग रहा था रसल खेमा शहर। तो चलो भाई दिखाते हैं आपको, ये आप नाइट व्यू देख सकते हैं। ये आई गेस वो वाली सड़क है जिससे अभी हम आए थे। तो भाई मैंने रसल खेमा का रोड ट्रिप भी बना रखा है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दी और पीछे कहीं आई बटन में भी डाला था। तो ये है भाई रसल खेमा शहर, आप देख सकते हो भाई बहुत सुंदर लग रहा है यार रात पे। और भाई दुबई भी यार काफ़ी सुंदर लगता है रात पे। और ये देखो भाई रसल खेमा यार, ये भी यार बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे ये शहर भी डेवलप हो रहा है यार, आप देख सकते हो ये है रसल खेमा। तो चलो भाई अब हम सो जाते हैं, अब हम सीधा मिलते हैं आमची मुंबई में। तो चलिए गाइस फाइनली अब यूएई को अलविदा कहते हैं और किसी और कंट्री में आपको घुमाएंगे और हो सका तो यहाँ पे फिर से आएंगे। सो गाइस फाइनली सुबह के 4:30 बजे में मुंबई का ये रात का व्यू दिख रहा था, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग का व्यू दिख रहा था। जब मैं पहुंचा था तो सुबह के 4:30 बज रहे थे इंडिया में। और ये देखो यार आमची मुंबई का सुंदर सा नज़ारा। यार मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल नहीं तो अगले साल मुंबई जाके वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस का व्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो यार या फिर किसी एक एक करके एक किसी और जगह का मैं व्लॉग बना दूँ, जैसे नॉर्बेट का बनाया था, उस टाइप के मैं किसी और जगह का व्लॉग और बनाऊँगा और मुंबई एयरपोर्ट से आपको एक और जर्नी कराऊँगा इंटरनेशनल। तो यार ये देखो यार कितना सुंदर है ये शहर। तो यार ये शहर तो मेरा हद से ज़्यादा फेवरेट हो चुका है, तो यार यहाँ तो मैं आऊँगा फिर से। और भाई अब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं मुंबई को आमची मुंबई बोला करूँगा हमेशा। तो भाई ये देख सकते हो यार आप आमची मुंबई का अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा कितना चमक रहा है यार ये शहर। तो चलो भाई जल्दी से लैंड करते हैं। तो हम लैंड करेंगे मुंबई के आमची मुंबई के टर्मिनल 2 पे। तो सो गाइस फाइनली हम मुंबई सॉरी आमची मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पे लैंड कर चुके। देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ये शहर। और ये भाई ये लाइटें भी जल रही है यहाँ पे, कुछ प्लेन को गाइड करने के लिए होता है। और भाई ये आप देख सकते हो यार कितना सुंदर लग रहा है ये शहर, और क्योंकि भाई आमची मुंबई तो यार सुंदर है इसे।
तो यार ये आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से हम इंडिया की आबादी में शामिल होते हैं, मतलब भाई एमिग्रेट होते हैं, फिर भाई हम भोपाल की फ़्लाइट लेते हैं। तो मैं बताऊंगा भाई क्या क्या हुआ था यहाँ पे, हमारा क्या क्या चेकिंग वगैरह हुआ था। मुंबई के टर्मिनल 2 पर पहुँच गए। अगर आपकी अगली उड़ान उस टर्मिनल से है तो कृपया साइनेज का इस्तेमाल करें और अधिक सहायता के लिए ग्राउंड टीम से संपर्क करें। दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी लगभग 35 मिनट की है। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अराइविंग मुंबई एट टर्मिनल 2। इफ यू कनेक्टिंग फ्लाइट टू सुमनाथ टर्मिनल, काइंडली मेक यूज ऑफ साइनेज एंड फॉर फर्दर असिस्टेंस कॉन्टैक्ट द ग्राउंड टीम। ट्रैवल टाइम फॉर बोथ द टर्मिनल्स इज अप्रॉक्सिमेटली 35 मिनट्स। थैंक यू। सो गाइस फाइनली हमें मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में, यार यहाँ का इंटरनेशनल अराइवल यार काफ़ी शानदार है। मतलब यार बहुत बड़ी से बोर्ड पे अलग अलग भाषाओं में वेलकम टू मुंबई लिखा था। काश यार वो आपको मैं दिखा पाता, लेकिन यार उस साइड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना थी, तो भाई मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो सो गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ था। सो गाइस पहले क्या हुआ था, पहले हम बस से यहाँ टर्मिनल पे ट्रांसफ़र हुए थे, फिर वहाँ पे भाई हमारा वहाँ इमिग्रेशन हुआ था। तो फिर यहाँ पे फिर हमने लगेज लिया था, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस हुआ था, फिर हमने वापस लगेज दे दिया था, फिर हमने ये डिपार्चर के लिए फाइनली हम चढ़ गए थे। तो यार अब हम फाइनली डिपार्चर की तरफ आ चुके हैं, तो चलते हैं भाई भोपाल वापस। तो यार ये देखो यार क्या एयरपोर्ट है यार ये, यहाँ से तो यार एक इंटरनेशनल जर्नी आपको और कराऊंगा मैं। तो चलो भाई चलते हैं भोपाल। सो गाइस फाइनली हमारे सिक्योरिटी चेक के बाद भाई हम नीचे उतरे थे। तो क्या है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उनके लिए सीधा ऊपर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे इमिग्रेशन होगा, और भाई अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो यहाँ से ये नीचे उतार दिया है। तो गाइस यहाँ पे आप ये देख सकते हो यार, ये यहाँ पे मछलियाँ भी तैर रही है। तो चलो भाई आपको लेके चलते हैं भोपाल। तो ये आप देख सकते हो मुंबई एयरपोर्ट का व्यू। सो गाइस जैसे आप उतरते हो तो आपको ये आई लव मुंबई दिखता है। तो यार यहाँ तो मैं अब फ़ोटो ज़रूर खिंचवाऊँगा, क्योंकि यार अब मेरा मुंबई फेवरेट हो चुका है। तो चलो भाई फ़ोटो खिंचवा के चलते हैं। सो गाइस यहाँ का आपको ड्यूटी फ्री दिखाता हूँ। ड्यूटी फ्री तो भाई वैसे ही बना रखा है, मुंबई ड्यूटी फ्री है ये। ये यहाँ पे डोमेस्टिक डिपार्चर्स का बोर्ड लगा है, यहाँ पे ये ड्यूटी फ्री है, ये वैसा ही बना रखा है जैसा इंटरनेशनल का बना रखा है। सो गाइस आप ये देख सकते हो बहुत अच्छा बना है यार ये एयरपोर्ट। यहाँ तो यार मैं आपको एक इंटरनेशनल जर्नी और कराऊँगा। तो ये है भाई फूड कोर्ट, चलिए भाई ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। सो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट करके भाई धीरे धीरे दिन निकलना शुरू हो गया था मुंबई पे यहाँ पे। तो अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे थे, तो भाई आगे है भाई गेट यहाँ का, तो अभी आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते ही ये इस साइड हम अपने गेट की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए गाइस इंतज़ार करते हैं फ्लाइट का। सो गाइस यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी सुबह और हुई तो यहाँ की लाइटें डिम कर दी गई थी, और भाई हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग भी शुरू हो गई थी। तो चलिए गाइस चलते हैं भोपाल। सो गाइस अब हम फाइनली फ़्लाइट पर बैठ चुके हैं, तो भाई चलते हैं। तो आप ये पीछे भी सो गाइस टेक ऑफ करने के लिए फाइनली यहाँ फ्लाइट की लाइटें डिम हो गई थी। ये आप मुंबई एयरपोर्ट का लास्ट व्यू देख लो। यहाँ तो यार मैं आपको एक और इंटरनेशनल जर्नी कराऊंगा, तो मुंबई दर्शन भी कराऊंगा। तो ये आप देख सकते हो ये उस साइड थोड़ा सा स्लम एरिया बना हुआ है। तो गाइस अब फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। सो गाइस अब फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। तो यार काफ़ी दुख हो रहा है यार मुंबई को छोड़ते हुए, सॉरी आमची मुंबई को छोड़ते हुए यार काफ़ी दुख हो रहा है। तो यार आपसे प्रॉमिस करता हूँ मुंबई दर्शन तो यार मैं आपको फिर से कराऊंगा, और यहाँ का मैं आपको एयरपोर्ट से एक और नई इंटरनेशनल जर्नी कराऊंगा किसी और कंट्री की। सो गाइस अब फाइनली अपनी फ्लाइट टेक ऑफ कर चाहिए। तो यार आपको शहर का व्यू दिखाता हूँ, यार काफ़ी शानदार शहर है, बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। तो यार मैं आपको भोपाल से मुंबई वाले वीडियो में जो मैंने एयर इंडिया का जर्नी बनाया था उसमें यार इतना क्लियर नहीं दिखा था, यहाँ पे दिखाता हूँ यार आपको, यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है व्यू। तो ये अभी अपनी फाइनली अब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं सुंदर से आमची मुंबई का सुंदर सा व्यू। सो ये देख सकते हैं आप, ये है भाई आमची मुंबई। सो गाइस फाइनली हम टेक ऑफ कर चुके हैं, ये है भाई आमची मुंबई का सुंदर सा नज़ारा, बहुत दुख के साथ छोड़ के जाना पड़ रहा है यार। तो यार आपसे प्रॉमिस करता हूँ एक बार फिर से आऊँगा, पूरा आमची मुंबई दर्शन कराऊँगा। तो ये है भाई समंदर और वो ब्रिज। तो चलो भाई अलविदा कहते हैं मुंबई को फिलहाल और चलते हैं भोपाल वापस। सो गाइस फाइनली इन बादलों से होते हुए हम अब भोपाल पहुँच ही चुके थे।
सो गाइस फाइनली आप ये देख सकते हैं भोपाल शहर का व्यू दिख रहा है, यहाँ से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है। तो भाई फाइनली अब हमें यहाँ से बड़ा तालाब का भी नज़ारा दिख रहा था जहाँ पे वीआईपी रोड भी दिख रही थी, तो ऐसे हम फाइनली लैंड कर रहे थे। सो गाइस यहाँ पे हम भोपाल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और ये भाई आप भोपाल एयरपोर्ट का टर्मिनल देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपनी इंटरनेशनल ट्रिप दुबई की समाप्त होती है, तो यार आपको अगली बार कहीं और लेके जाएंगे। सो गाइस दुबई एंड यूएई सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में, जो इसका अगला एपिसोड होगा, इसमें मैं आपको दुबई घूमने की परफेक्ट आइटनरी और प्लेसेस टू विजिट बताने वाला हूँ। सो गाइस अगली वीडियो में इस बात करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में।